Good morning, everyone. On behalf of Rasa International School, today we are going to understand chapter number 14th, Mumbai of SST, page number 77 and 78. Before moving further, let's start with the difficult words. जो इस टॉपिक में अभी आने वाले हैं. Until मतलब होता है जब तक. Urban center, urban मतलब शहर, तो शहरी केंद्र. Dense means बहुत ज़्यादा घना, densely populated. बहुत ज़्यादा आबादी वाला देश. कम्युनिटी मीन्स समुदाय, बहुत सारे समुदाय के, कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ठीक है. सेंचुरी मीन्स सदियों से, बहुत सारी सदियों से ऐसा चलता आ रहा है, तो सेंचुरी. विंटिजिनियस मीन्स क्रमिक स्वदेशी. एम्पायर मीन्स सम्मान राज्य, साम्राज्य. कोई भी एम्पायर के, जैसे मुगल एम्पायर के लोगों ने देश पर राज किया था, तो सिट्स मीन्स सौंप दिया. कमर्शियल मीन्स व्यवसायिक. कोई भी व्यवसाय चल रहा है वहाँ, कारोबार चल रहा है, कमर्शियल. एज यू कैन सी ओवर हियर, चैप्टर नंबर 14, मुंबई. मुंबई जो है बच्चा, इसको पहले बॉम्बे बोला जाता था, ठीक है. अंटिल मतलब जब तक, 1995 तक इसको बॉम्बे बोला जाता, मुंबई को. फाइन, यू कैन सी हियर, दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. तो मुंबई जो है हमारे वेस्टर्न पार्ट में आता है. मुंबई जो है हमारा वेस्टर्न कोस्टल पार्ट में आता है. चलिए, द सिटी ऑफ मुंबई वॉज नोन एज बॉम्बे. बॉम्बे बोला जाता था अंटिल 1995 तक, मतलब 1995 तक इसको बॉम्बे बोला जाता था. अब इस शहर का नाम मुंबई हो गया है. इट इज़ द ग्रेटेस्ट पोर्ट सिटी. और यहाँ पर पोर्ट भी, बहुत बड़े पोर्ट हैं सिटी में. वॉट इज़ पोर्ट, मैं आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ. सी पोर्ट क्या होता है, जैसे एरो एयरपोर्ट होता है, एरोप्लेन जहाँ आके रुकते हैं और हम लोग उसमें बैठते हैं, ठीक है. स्टेशन होता है, जैसे बस स्टेशन होता है, बस रुकने और चलने का एक स्टॉप. ऐसे ही सी पोर्ट होता है, जहाँ पर समुद्री जो जहाज होते हैं वो चलते और रुकते हैं, उसको हम पोर्ट बोलते हैं, PORT. सिचुएटेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला. और ये सिचुएटेड है, मुंबई जो है वो वेस्ट कोस्टन पार्ट में, मैंने आपको बताया था. फॉर एग्जांपल, जैसे नॉर्थ है, ये साउथ है, दिस इज वेस्ट एंड दिस इज ईस्ट. तो वेस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है इंडिया के, इंडियन पेनिनसुला के. व्हाट इज पेनिनसुला, पेनिनसुला मतलब होता है वो जगह, वो लैंड जहाँ पर थ्री साइड से वाटर होता है, वाटर ऑन थ्री साइड. और वन साइड जो होता है थ्री साइड में, फॉर एग्जांपल जैसे ये है, तो इसके 1, 2, 3 साइड पे वाटर है और एक साइड पे लैंड होती है, ज़मीन होती है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है. तो इंडिया पेनिनसुला के ये वेस्ट कोस्टल पार्ट में आता है मुंबई. इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ डोमिनेंट अर्बन सेंटर एंड इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड. डोमिनेंट मीन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल. ये इंडिया का बहुत ज़्यादा पावरफुल सेंटर है. अर्बन सेंटर मतलब शहरी केंद्र है, शहर है ये, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है. और वन ऑफ द लास्ट एंड मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी. तो डेंसली मतलब बहुत ज़्यादा घना पॉपुलेटेड. पॉपुलेटेड मीन्स बहुत ज़्यादा लोग इसमें रहते हैं, आबादी के लोग रहते हैं इस शहर में. मुंबई सिटी इज़ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड. और मुंबई शहर जो है वो ग्रुप है, मतलब यहाँ पर 7 आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं. व्हाट इज़ आइलैंड्स, दिस इज़ आइलैंड. दिस आइलैंड मतलब होता है द्वीप, मतलब बीच में से जिसके लैंड होती है और चारों तरफ उसके पानी होता है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं. मैंने आपको पहले भी क्लास में ये बताया है कि आइलैंड क्या होता है. आइलैंड एक द्वीप, मतलब एक लैंड का टुकड़ा, जमीन का काफ़ी बड़ा टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है. आइलैंड दैट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूट मुंबई वर होम टू कम्युनिटीज ऑफ फिशिंग कॉलोनीज. एज आई टोल्ड यू, ये हमारे कोस्टल पार्ट में आता है, समुद्री तट पे आता है, तो यहाँ पर फिशिंग, जो मछलियाँ पकड़ने का बहुत कारोबार चलता है. समुदाय
मीन्स डिफरेंट डिफरेंट समुदाय के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के जातियों के लोग रहते हैं। और यहाँ पर फिशिंग कॉलोनी मतलब फिशेज का मेन काम होता है, मछलियों को पकड़ने का, बेचने का, सेल करने का ये काम होता है। सेंचुरीज, फॉर सेंचुरीज मतलब सेंचुरी मतलब होता है सदियों से ऐसा चलता आ रहा है। द आइलैंड कम अंडर द कंट्रोल ऑफ, और ये जो आइलैंड्स हैं क्रमिक स्वदेशी के अंडर आते हैं, उसके अंडर आते थे। इंडिजिनस एम्पायर बिफोर बीइंग सीडेड टू द पुर्तगीज एंड सब्सिक्वेंटली टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कॉलोनी कंपनी। जब शासन किया गया था ब्रिटिशर्स ने इंडिया में, उस टाइम पे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी वो इधर बनी थी, और पुर्तगीज के समय से इसका कंट्रोल किया गया था। मुंबई इज़ कनेक्टेड टू द मेनलैंड बाय ब्रिजेस, और मुंबई जो है वो ब्रिजेस जो पुल होते हैं उससे कनेक्टेड है। मुंबई इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सिटी। इंडस्ट्रियल मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज भी हैं, फैक्ट्रीज भी हैं, और कमर्शियल सिटी भी है ये। कमर्शियल मतलब मैंने आपको बताया था व्यवसायिक, बहुत ज़्यादा सामान का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ से सामान थ्रू शिप, शिप से, जहाज़ों से भी इधर उधर सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। एंड द बिगेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया का बहुत बड़ा पोर्ट जो है, सबसे बड़ा सी पोर्ट है, वो भी इंडिया का मुंबई में ही है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट ऑफ मुंबई, मुंबई का क्लाइमेट कैसा होता है, मौसम कैसा होता है। एज आई टोल्ड यू, मुंबई जो है हमारे कोस्टल पार्ट में आता है, समुद्री तट पे आता है, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है बच्चा वो वार्म होता है, गर्म और ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स वो चिपचिपा वाला जो मौसम होता है वो होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ही ऐसा मौसम यहाँ होता है। द ह्यूमिड सीजन बिटवीन मार्च एंड अक्टूबर इज कैरेक्टराइज्ड बाई हाई ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ओवर 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब इतना ह्यूमिड होता है, इतना चिपचिपा और उमस वाला मौसम होता है कि इसका जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। द ड्राई सीजन बिटवीन, जो सूखा सीजन होता है, ड्राई सीजन जो होता है वो नवंबर से लेके नवंबर एंड फेब्रुअरी इज कैरेक्टराइज बाय मॉडर्न लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। इस मौसम में नवंबर से फेब तक का जो मौसम होता है उसमें मॉडरेट लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मिलती है, मतलब बहुत ज़्यादा उमस भी नहीं होती है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। वार्म टू कूल वेदर, और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चलती है इस मौसम में। इट गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, और बहुत ज़्यादा बारिश होती है मुंबई में इन द मंथ ऑफ जून, जुलाई और अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर इन इंडिया। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि मुंबई में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ कारखाने हैं, राइट। सो यहाँ पर इंडस्ट्रियल सेंटर माना जाता है इंडिया को, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। इट इज़ फेमस फॉर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल कपड़ा, कपड़े के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है मुंबई। पेट्रोलियम रिफाइनिंग, जो पेट्रोल आता है उसकी रिफाइनिंग भी यहाँ की जाती है। रिफाइनिंग मतलब उसको छाना जाता है, छान के अच्छा जो हमारे पास क्रूड ऑयल जो होता है उसको अलग किया जाता है और हमारे पास में डीजल पेट्रोल फॉर्म में ऑयल आता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर, जहाँ पेट्रोल की अलग किया जाता है। एंड फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी मुंबई फेमस है, एज आई वी नो कि मोस्टली जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो मुंबई में ही रहते हैं, और फिल्म इंडस्ट्री के लिए मुंबई को माना जाता है, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं। बॉलीवुड जहाँ फिल्में जो हमें देखने को मिलती हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो मुंबई को बॉलीवुड इंडस्ट्री भी बोला जाता है। मुंबई इज़ द लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग सेंटर इन इंडिया, मुंबई जो है वो लार्जेस्ट फिल्म मेकिंग सेंटर भी है इंडिया का, और इट इज़ नोन एज बॉलीवुड, जिसको हम बॉलीवुड कहते हैं। मुंबई हैज़ न्यूमरस न्यूज़पेपर, न्यूमरस बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर पब्लिकेशन भी होता है, मतलब पब्लिश छापे भी जाते हैं बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर। एंड टेलीविजन एंड रेडियो स्टेशन भी यहाँ पर मुंबई में आपको देखने को मिलते हैं। पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर आर पब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया के मोस्ट पॉपुलर न्यूज़पेपर हैं इंग्लिश के, वो भी यहाँ पर ही पब्लिश होते हैं, यहाँ ही छापे जाते हैं। पार्ट इज क्लियर, रेस्ट पार्ट वी विल लर्न अबाउट मुंबई इन द पार्ट टू वीडियो।
रेस्ट मुंबई के बारे में हम पार्ट टू वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।